यार ये कैसे दे प्यारे सजनों, राजा नल उस राठौरी को समझाता है कि नोता खाना और खिलाना मामूली बात नहीं है। जब कबाब को नाए तो खाने को न जाए, अरे कोई मेरी नाते दारी नाए शौकत वैया दावत वीरल कई अरे चलोगे नहीं। अरे यार राजन के यहाँ की दावत है, तुमने मेरे यहाँ खल खाई है तुम्हारे मुंह की बात छूट जाएगी। यार राजाओं के यहाँ के अन्य अन्य भोजन मिलेंगे, नाना प्रकार की दावत है। घर में स्वादी अरियाओ मेरी बीरन उन भोजन में ना आवे भैया मेरी अरी भाग में भोजन दावत को नहीं जाता है तो मेरे बैलन को प्याला हमर ताल पे पानी। तुम तो जामे मानी कहियो अपनी करो मनमानी रे हमर ताल पे बनिया मेरे भैया भाभी के अपनी पानी रे दावत खाए भी जाए रे और नाम चोरी कर कछु तेरी कमी अरे माल की पीरन ना तो यार मेरा परमात्मा नहीं बहुत बड़ो कर रहा कोई। अरे राजा में नाम नहीं है अभी तुम्हारा। अच्छा हाँ। राजन में कैसे नाम होगा? बाहर राज रंग गाना बजाना होता होगा। अरे यार कोई खाओ 10 पूरी तो मैं 20 पूरी खाऊंगा। सब थूकेंगे कोई नजर में नहीं लाएगा। नाम कैसा होगा? नाम ऐसे होगा कि सबसे ऊंचो इनाम देना होगा राज रंग गाना बजाने वाले को। कितना? शिनाज राठौरी मेरे भैया कोई दे 500 तुम दे रहे 5000 रुपया। 5000? हाँ। अरे भैया दम निकलने में नहीं दे रहे 5000? अरे ये कैसी ट्यूशन लगा बल लगा रहे 5000 रुपया वैसे उड़ा दे। क्या है ये दौलत? मैंने महा मुश्किल से दर्शन मिले हैं जय लक्ष्मी के, सो अब लुटाने को ये लुटाए से लुटती नहीं है। और बाज न होगी तो फिर मिल जाएगी। हजार? अरे कई भाई बात है, अरे मिलेगी राठौरी ना बात के पिछेरा आगे अरे समय लगाए दई मेरे भैया कछु कमी माल की ना के मला जाए राठौरी बुझके बे
चिंता मत करे कोई दे 5,000 मैं देंगो 10,000 बैठ जा नाम करके आऊंगो। हाँ, बात बनी रहती है दिन चढ़ जाता है, ये तो चलती फिरती माया है। भारी लाग रहे हो अच्छे पहन पहन के कपड़ा मोचन में डाल रहे छल्ला राठौर के अच्छे अच्छे सज गए लल्ला। अरे भैया सब जल्दी है, सिराज भैया और राज केसट वालों को भी साथ ले चलो। ले चलो, चलो जी चलो। उनके बाबा ये चश्मा वाले बैठे हैं, इनको भी ले चलो। ले चलो, चलो सब मेरे परिवार के। अरे कौन करे रहवार राठौरी दावत खाए मेरे जावे। भगे 360 जवान भगे 360 जवान संग में दावत खाए आवे। क्या बात है, गाना सुनवा था? हाँ गाना सुनो। सुनाओ गाना। अरे आए गए हो देवर रात बलम तेरे धोखे में, आए गए हो देवर रात बलम तेरे धोखे में। हाय आए गए हो देवर रात बलम तेरे धोखे में, आए गए हो देवर रात। धीरे धीरे मेरो घुमटा उघारो, गालों पे फेर गए ओ हाथ, गालों पे फेर गए ओ हाथ बलम तेरे धोखे में।
गयो देवर रात बलम तेरे धोखे में आए गयो देवर रात बलम तेरे धोखे में धीरे धीरे मेरो बिलोज खोलो धीरे धीरे मेरो बिलोज खोलो और छतियन पे फेर गयो हाथ छतियन पे फेर गयो हाथ बलम तेरे बलम तेरे धोखे में आए गयो देवर रात बलम तेरे धीरे धीरे मेरो कमर बंद खोलो सुनयो जी धीरे धीरे मेरो कमर बंद खोलो जांगन पे हाय जांगन पे फेर गयो हाथ जांगन पे फेर गयो हाथ बलम तेरे धोखे में आए गयो देवर रात बलम तेरे धोखे में श्री राजा बोध ये 551 नोट हमारे लिए दूध पीने के लिए देते हैं 551 पे 1051 राठौरी की तरफ से इनाम लो ये 1051 रुपया श्री श्री 108 रघुनंदन साहब क्या राजा बोध खाना तैयार है तैयार है अभी व्यवस्था हो रही है खाने की हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है राजा बोध क्या खाने के लिए अभी चाय खोल लई है अरे अभी व्यवस्था है रही तुम्हारी समोसे में कुछ देर रही है तो दावत जो लाइन लाइन से बैठा रहे हो इन लोगों को बैठा लो और खिलाओ ठीक है सुनाओ क्या सुना रहे और बैठ गई जो नार के बुध के हरे हरे बुध के और होले होले चले भैया होले होले चले भैया पूरी पे आ रही है बहार सेठ के हरे हरे सेठ के आलू मजेदार होले होले चले भैया कछुआ खतना आ रही है होले होले चले भैया काशी फल पे आ रही है बहार बुध के हरे हरे बुध के और देश के राजा बने बिगड़े ठाट
महाराज। राजा बुद्ध के यहाँ भैया राठौरी दावत खाने गए हुए। अच्छा। और मैं पानी पिलाने बदियों को जा रहा हूँ। कहाँ? भमर ताल पे। नहीं महाराज। क्यों? देश बिरानो पिया भूम पराई अपनों को ही ना जगरो है जातालन पे पिया ओ खकटे
तीरन पैर चढ़ के जीवे की आसरे करे ने कब हुना जे ही काम अशीलन के मुख से के कर भगत कब हुना कजरी बन मेरे हिरन जुगे बूटे फांदे भरे के कब हुना समझ में नहीं आती है रानी तुमेती उस कुलवाड़ी में रह जाती है अरे ते मनती जब नल तेरी बोली डूलरिया वाले बदिया खोरी और वहां बेड़ी नहीं फिरते कोई पानी नहीं पिला सकता है राजा ना अपनी करे मनमानी जा करके धौंस रुवाब से बदियन को पिलाने लावो पानी रे ओए तब राजा बुद्ध के नौकर टेरे का भर पे लबैना फेरे रे ओए राजा बुद्ध के नौकर टेरे और का पर वेल त नबैना फेरे लालजिया नागो पीछे को अरे राजा बुद्ध के नौकर तेरे काबर में लवैना फेरे लालटिया नागो पीछे को हाँ प्यारे सज्जनों बारे मल राजा बुद्ध के इसी बात को पल रहे कि कोई पानी नहीं पिलाए अरे ओए राजा बुद्ध के नौकर तेरे तेरे काबर में लवैना फेरे लालटिया नागो पीछे को भांजी गई थी तुरंत एक कहीं कछना कहीं दोबारा कहीं गबारा कर गया राजा नल को तिबारा कहीं गुस्सा आ गई क्या करने लगा और जा मारे तब पकड़ गिरा बे मारे बूटा प्राण निकाले मर गए रे अरे जा मारे तब पकड़ गिरा बे मारे बूटा प्राण निकाले भरभर के ताल में डाले
बच गए तो के गले में डारी सावर की फंस लिया। एक मंत्री बच जाता है भाई दौड़ और राजा साहब के पास पहुंच गया। आए नले पनी लेकर रे मनु मानी और बदियन को प्या के ले गयो पानी। यार तुम नाचने गाने में मस्त हो रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं पता क्या हो गया। क्या हो गया? इस राजा रघुनंदन के जहां, राजा साहब रघुनंदन के जहां एक रहुआ रहता है, वो पानी प्यागे तालन पे धायो बाना तंग करी है हुलिया। कच मर गए कच बच गए तो के गले में डारिये सावर की हंस लिया। मैं ही बचिया हूं सो खबर दे दी मैंने तुम्हारे लिए, ये नाच गाना करा रहे हो जहां और ये बैठा राजा, राजा साहब ये रघुनंदन साहब बैठे हुए। किसने करी है बदगुमानी, किसने करी है बदगुमानी, किसका जमाना फिर गया, किसको दऊं मौते सजा खेमा कजा का चढ़ गया। राजा खुद के होते हुए और मेरे जवानन के लिए कोई मार सकता है? पटरा कहते हुए एक लगते अच्छा राठौरी सभा में इस बात को सुन के चौंकत है, जहाँ बैठे कुर्सी पे तो बैठे बैठे चौंकत है। क्या महाराज चले जयमंती के ताऊ? जयमने की बात कोई मत करो, बहुत गलत संदेशा आया है। सुनते हैं वो तेरी रघुनंदन है, उसका एक जवान तालन में गया है, मेरे सभी जवान उसने मारे हैं। चलो चल के देखते हैं वहाँ तालों पे। तो मैं चलू आपके साथ में? हाँ। और कहते हो कि 12 जवान एक आदमी ने मार डाले? हाँ जी। एक आदमी कैसे मार डाले वो 12 आदमी? तो चलो तालों के लिए चलते हैं। सोचने और समझने की बात है, वैसे ही राठौरी की कमी है कि राठौरी की गलती है। चलो आंखों से देखेंगे तब मानेंगे कान सुनी झूठ होती है। हाँ चलिए जी महाराज। अब खैर हेलम हेला और दावत खानो भूले सब बाल पे उठ के चल दयो मेरा। पड़े हैं ताल के अंदर तो के गले में पड़ी तो हसलिया। मेहमान है, सभी तालों पे पहुंच जाते हैं। राजा बुद्ध राठौरी तेली से कहने लगा, भाई सब लंग पटरा पर हुए, ये तीन चार तो ये उछल डूब रहे हैं, अरे ये लंबी लंबी बांके ले रहे हैं, जवानों के गले में असली पड़ी है। मर गए रे बचैयो, तालों पे उसने मार के डाल दिए हैं। उसने गलती करिए काफी, अरे उसने गलती करिए काफी, वाकई गुनाह माफ कर दूंगा और उसे दिपा दूंगा माफ। राजा बुद्ध, हाँ मेरी क्या गलती है जो इस तरह महाराज मेरे लिए फांसी लगाने को कहते हो? आपको जन बच्चा को फांसी यूं कि आपके यहाँ जो रहता है मेरे सभी 12 पैरवार खत्म कर दिए उसने, अच्छा किया तारों पे।
हाथी का पड़ जाए, अगर मुक्का जमा दूं मैं, जल जमीन से निकल आए जो ठोकर लगा दूं मैं। राजा बोध, आपको फांसी का हुक्म देते हैं। बिल्कुल साहब, इसमें मेरो क्या कसूर, मेरी गलती रे माफ करो। ओ राजा पिंगल के आप तो हुजूर, जन्म बच्चा से फांसी क्यों जाओ, पिंगुल में लगवाओ। राजा मेरो या में बताओ क्या है कसूर। आपका कसूर कोई नहीं है, फिर आप देखिए, पहले देखिए। हाँ, नुकसान तो बहुत है, आपके बहुत जवान मरे पड़े हैं और दो के गले में हथेली पड़ी है। महाराज नुकसान बहुत है, तो आप वादा करिए, अपने रैत बाप को मेरे पास बुला के लाइए। मर गए तो मर गए, और ये बच्चे इनकी बात निकाले, इन्हें तो बचा ले। ये बात सही है कि जो मर गए सो तो मर गए, अब ये जो दो पहलवान है हसली पड़िए, इनके हाथ भी निकालिए, और ये बामन करके राजा बैठे हैं उनको भी बुलाइए। आंख खोल कर देखो तो हसली के उसको बुलाओ और हसली पे पहलवान को बिड़ाओ, हसली को फौरन निकलवाओ। ये मरे पड़े हैं इनको बचाओ, मरे पड़े उन्हें तो मर गए, वो तो पूरे घर गए, ये मरने को जा रहे हैं इन्हें तो बचाओ। जी और पहलवान साहब, क्या बात है? बात ये है कि ये मेरे पहलवान खत्म हो गए, ये दो जवानों के हसली पड़िए, इन्हें निकालिए आप, क्योंकि पहलवान है आप। अच्छा जी, निकालो। अभी निकालता हूँ। ए ए प्यार करो, प्यार करो। हमारी क्या हुई? हमारे बस से बेरार बात है। आपकी कोई बस नहीं चल गया? नहीं। अच्छा, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, सैकड़न से लग गए। राजा बुध और पेली भी गया जोर लगाए, जोवर सावर नहीं हटी, तन पे गयो पसीना। अरे तेली मती समझना रे हांसी, अरे लाठोरी मती समझना रे हांसी, उसके बुला के लाओ पास को, ना तुम्हें लग जाएगी फांसी। अरे बने गलती रे करिए काफी, अरे उसने गलती रे करिए काफी, तालन पे सुनावे मोसे बुद्ध से मांगे माफ।
और मेरे समनक लाइए। जरूर लाऊंगा साहब, अधीन बना के। बिल्कुल, बड़ी गरीबी आधीनी से हाथ जोड़ के मुंह में दूध का तुलका लगा के तुम उससे माफी मांगे तो आपके रेतवा को क्या आपके पूरे परिवार को दे सकता हूं मैं माफी। अरे वाह, परदेसी जातना से हमारे घर आओ, वादना से किसी बात की कमी नहीं, पर आज ऐसा कर्म किया आज मरने में भी कोई कमी नहीं। आज माने भलो बैलन को पानी पिलायो, भक्त राठौरी को बराबर आयो। अब चलो मैं उस परदेसी के पास चलूं, यह पूछताछ करूंगी गलती किसकी है। अरे राठौरी कुलवाड़े को, अरे रो मत रो मत, दोबारा कही गवारा करियो, तिवारा कही मोए गुस्सा आए गई।
राजा वो तो को मार डाले हो। मार नहीं डालेंगे तो मरेंगे भी नहीं। भैया मेरे जन बच्चा को फांसी लग जाए ते सजा पिंगोल में मरे भैया तालन पे चलू मैं ना सुनावा आज ले जाऊं मैं नहीं जावा। भैया हमारी फांसी पूरे लगी होगी और मैं चलो तो फांसी बच जाएगी। क्या चलने को तैयार? किसी राजा को नहीं नवाओ प्लीज। बाबा मनगढ़ के राजा होंगे छोटे बड़े किसी को सर नहीं झुकाएगा। जो कोई मुंह से अकड़ के मन में नहीं डरूंगा भाई को मार के धरूंगा भाई मिलाए दू सुन कर सर नहीं नवाएगा तो मत नवाना। मन में ना डरूंगो सब राजन को छोड़ के राम राम तो ही को करूंगो। मुंह में ऐसी क्या बात है रे? किसी को सर नहीं झुकाएगा मेरे लिए सर झुकाएगा। जो तुम्हें बात है बीरेन सो दुनिया में मैं फिर आओ किसी में नहीं निकली ना सोची ना समझी ना मेरे लिए किसी ने मेरी बात पूछी। क्या बात है भैया? ये बात है देश दुनिया में भैया मैं फिर आयो काऊ राजा रैयत ने ना हिले से लगायो अब तुम मानो अरे मेरो कहना द्वार गयो भेद ने मारी लात फेर गई बहना। बुरे वक्त की बात ऐसी होती है भैया। राठौरी हाँ। कि रब को कमल अनेक है कमलन को रब ये हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको एक। सब राजन को छोड़ के भैया क्यों राम राम करूंगा कि तेरा मैंने नमक खाया है और तेरे मेरी बात पूछी तेरे यहाँ मैंने गुजर करी है क्यों तो से राम राम करूंगा। कऊ राजा की अच्छा
वो जवान आ गया जिसने हसली डाली। हाँ। तो हसली को निकलवाइए आप। इनका ये कहना है राजा बुद्ध का, समझे? हाँ। कि यहाँ जितने भी बैठे हैं सबने ताकत खूब लगाई, हसली हिली न जुम्मस किसी से। हाँ। इस हसली को निकाल दो लोही की जो जवान के गले में, तब बात होगी आगे। भैया राठौरी, हाथ से नहीं निकालूंगा। जो गड़गड़ाते हैं वो बरसत कब है, जो तड़फड़ाते हैं वो करत कब है। तू का जाने राठौरी भैया करता है। मेरी दुर्गे मैया वे, दुर्गे मैया ताता अरे करती है जगत अरी दुनिया में। हसली ठोकर से मैं दौड़ी निकाल, नीचे पहुंचोगे। जाइए आप। हाँ? जाइए, फिर देखना है। फिर देखना आज ल
ले ताकत देखी रुआ की, आज ले ताकत देखी रुआ की, और आते में आवे ना। समान आज बनी है पार रघुनंदन की, और आते में आवे न सुन आज बारी राजा नल को, तेरी मन में हो रे हरता है भैया। जब से मेरी दौलत कोई मुझे गुमान, अब तो मैं ना समझूंगा के कहां रहत भगवान। क्या एक तो गुमान मेरी दौलत का, दूसरों में तुम्हारो कि बामन लड़के राजन पे काऊ पे हथली ना निकली, भैया ने पैर की ठोकर निकाली। खटखट भैया कोई ना छोड़ो। अच्छा खटखट भैया मैं कोई ना छोड़ो, ना पटिया पूरी दादा दर झाले थे गाली मेरो चल गो, ताकि ना रे पूजी तलवार। आज सुनो दादा ठोरी भैया, तेरो खायो नमक रात कहे को पर मेरे दम भाई। और गंगो है उनके पास जाओ इंतजार कर रहे हो, और हम जा रहे हैं। हमारे बगैर खाना नहीं खाती है। हाँ बिल्कुल लक्ष्मी है भाभी। देवर साहब। हाँ भाभी। राम राम। राम राम। तुम आए गए? आए गए। और जे तो आई बहुत ही खुशी है, क्या बात है जी? आज हमारी खुशी को कोई ठिकाना ना है। एक बात तो मुँह अच्छी लगे थी देवर साहब की। कैसी? अरे देवर में प्यारी चाबी तुम, और तुम चाबी के छल्ला, अरे मुंशी लाल की कैसट को, और चारों ओर हल्ला। मैं तो देवर चाबी कहियो तुम कहियो रे छल्ला, मुंशी लाल की कैसट को और चारों ओर हल्ला। हाँ आज बहुत खुशी दिख रहे हो जी तुम। अरे हमारी सुन कि हमको कितनी खुशी है। तुम्हें कितनी खुशी है जी? बामनगढ़ के राजा वहाँ हमारी बामनगढ़ के राजाओं में मुंह छुपर करके आ रहे हैं। वो कैसे? असली लोहे की दो जवानों के गले में पड़ी किसी पर ना निकली, भैया ने मैंने पैर की ठोकर से निकाली। तुमने ताकत ज्यादा लगाई होगी। मेरी ताकत को तो तुम्हें पता ही है कितनी ताकत है। मोए तो तुम्हारी ताकत को पता हो, एक दिन तुम्हें गुस्सा में आकर बकरियो बच्चा उठा लो। हम कहे वह काम कर। क्या काम करू? मिन मन मेरी करो विचार, रोजन मारे काम करूं, यार खेलन जात शिकार। तुम शिकार खेलन जा रहे हो? काय की शिकार लावोगे जी? बोल। अरे राजन के काम जे होते हैं, या हिरन लइयो या मृग लइयो मार के। अरे तुम नहना नहना पीस मसालो, मैं तो शिकार खेलन जाओ। तुम बैठी रही हो री कुलवारे में, शिकार मार के में अकेले जाओ। अब राजन बारे रे काम करनो,
अपने मन में आए पीस के तैयार रखियो। मैं मसाला पीसूंगी, आपकी घोड़ी तैयार है, तुम जल्दी जाओ। कौन काहे की शिकार चाह रही है आज? हिरन या मृग लइयो मार के, या लइयो शेर या शेर? हाँ, के शेर को बाप मानता हूँ। सवा शेर। सवा शेर कैसे हो तू? जी करकेटा। बाकी तो बड़ा मलूक शिकार लगेगी। अच्छा, बस शेर ही मार के लांगो। जो लाते हैं वही मैं शिकार लाऊंगा। चलो ऐ घोड़ी चल। ऐ घोड़ी ऐ राम राम। कहाँ जा रहे हो? शिकार खेलने को जा रहे हो? शिकार जी? पहले कब खेली? पहले कभी नहीं खेली। फिर आज कब खेल सकते हो तुम? ये राजाओं के काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अरे मेरे भैया आप परदेसी, मैं राजन से अब कमती अब और ना। शिकार खेलन जाओ यार, तब घर में भैया चिंता काऊ बात की हमको। अरे मेरी मारो कि मत जाओ, जरूर जाएंगे।